प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को कांग्रेस सरकार की कारस्थानी बताते हुए आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नवी मुंबई के सीवूज में मशाल मार्च निकाला और पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष दत्ता गंगाले ने कहा कि प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाकर कांग्रेस देश भर में फिर से अपना कब्जा जमाना चाहती है। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस सरकारचा पंजाब कांग्रेसचा या ठिकाणी निषेध करत आहे। टूटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। कांग्रेस का मन टूटा हुआ है तो टूटा हुआ व्यक्ति कभी खड़ा नहीं हो सकता। यही तो इनका कुछ प्लान था कि उनको कुछ हानि हो सके। ये घटना निंदनीय नहीं है। पंजाब दौरे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक ने बीजेपी का गुस्सा बढ़ा दिया है। आज बीजेपी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने नई मुंबई के सीउड में मशाल मार्च निकाला और पंजाब सरकार एवं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जमकर हल्ला बोल किया। इस अवसर पर युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष दत्ता गंगाले, पूर्व नगर सेवक विनोद मात्रे, सुहासिनी नायडू समेत कई पदाधिकारी मौजूद थे। बीजेपी पदाधिकारियों ने इस घटना को कांग्रेस की राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार जिस तरह विकास कर रही है उससे कांग्रेस परेशान है। ऐसे में प्रधानमंत्री को नुकसान पहुंचाकर कांग्रेस देश पर फिर शासन करने का कुटिल खेल खेलना चाहती है, लेकिन जनता उसकी इस गंदी राजनीति को कभी माफ नहीं करने वाली। आइए सुनाते हैं बीजेपी पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा। आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की काल एक निंदनीय प्रकार असा आपल्या देशात घडला। मोदी साहेबांचा पंजाब दौरा असताना शेतकऱ्याच्या आंदोलनाआड काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जो त्यांच्या ताफ्यावर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला आणि सुरक्षा यंत्रणेची जी जबाबदारी होती ती सुरक्षा यंत्रणेने चांगल्या प्रकारे न बजावल्यामुळे अथवा काहीतरी काळभैर करण्यासाठी म्हणून काल आपल्या देशाचे पंतप्रधान आदरणीय मोदी साहेबांच्या ताफ्यावर जो हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला, देशाच्या प्रमुख पदावर असलेल्या व्यक्तीवर असा हल्ला करणं आणि घातपाताचा प्रयत्न करणं हे आपल्या देशाच्या प्रतिमेस शोभणारं नाही आहे। आणि ह्या घटनेचा तीव्र असा निषेध करण्यासाठी, पंजाब सरकारचा निषेध करण्यासाठी आज या ठिकाणी थोड्या कालावधीतच आमचे सर्व कार्यकर्ते, नगरसेवक, आम्ही लोक, जिल्ह्याचे आमचे युवा अध्यक्ष आणि सर्व कार्यकर्ते बंधू भगिनी या ठिकाणी बहुसंख्येने जमलेले आहेत। पूरे देशभर में ये मशाल जो मोर्चा कह सकते हैं इसको, इसका आयोजन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया, जिसका प्रमुख कारण अभी हमारे लोक प्रतिनिधि यहाँ पे बताया। नरेंद्र मोदी जी देश के पंतप्रधान है और उनके काफिले पर हमला करने का प्रयास कांग्रेस के माध्यम से वहाँ पर असफल प्रयास किया गया। अगर केंद्रीय जांच एजेंसियाँ इनको इस बात की खबर नहीं लगती तो शायद कुछ वहाँ पर घटना घट सकती थी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियों ने इसका अपना गुफिया जो रिपोर्ट है वो उनके सामने आया और उन्होंने तत्काल वहां से निकलने का निर्णय ले लिया। कल फिरोजपुर में आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी 45,000 करोड़ के विकास कामों का उद्घाटन करने वाले थे। कांग्रेस को उधर के आपको पता है वहाँ के चुनाव आने वाले है, कांग्रेस हर बात को चुनाव की नज़र से देखती है, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ये सपना है सबका साथ सबका विकास, और वहाँ पे इलेक्शन रहे नहीं रहे हर टाइम आप तो देखेंगे पंजाब में मुख्य पार्टी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपना जो सियासी राजनीतिक दल नहीं है वहाँ पे, तो भी भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के जो कार्यकर्ता है उन्होंने पंजाब सरकार को विकास कामों के लिए 45,000 करोड़ का देने का, नरेंद्र मोदी जी का वहाँ पे जो सपना था
वो उसको चकनाचूर करने का काम कांग्रेस ने किया है। ऐसे कांग्रेसी विचारधाराओं की चन्नी सरकार का निषेध करने के लिए सिउड़ मंडल के ये सब कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठा हुए। हि घटना निंदनीय है। खऱ्या अर्थाने जर बघायला गेलं तर काँग्रेसचा त्या विभागामध्ये पंजाबमध्ये जो विकास होणार होता, आज पंजाबचा मुख्यमंत्री असताना देखील, काँग्रेसचा मुख्यमंत्री पंजाबमध्ये असताना देखील आज ही परिस्थिती आली। खऱ्या अर्थाने चांगला विकास होणार होता तो अटकला गेला। खऱ्या अर्थाने जर प्राइम मिनिस्टर सारखा माणूस तिथे जातो आहे आणि एवढ्या मोठ्या विकास कामाचा जो उद्घाटन करणार होते संपूर्ण उद्घाटन अटकलं आणि ही गोष्ट योग्य नाही। खऱ्या अर्थाने जसं म्हणायला गेलं तर हा विकास त्यांनीच अडकवला। खऱ्या अर्थाने पंजाब सरकारचा मी निषेध करतो। कल जो घटना घटी है पंजाब में, इसका तो मैं बहुत तीव्रपणे से निषेध करती हूँ, क्योंकि आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है ये पूरे देश के मंत्री है। इन कांग्रेस सरकार को इतना तो समझ में आना चाहिए कि हम लोग अपने देश का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का अपमान मतलब अपने देश का अपमान। और आज उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है, आज सब नागरिकों ने उनको चुनकर आया हुआ है कहीं तो। और आज इन लोग जो मोर्चा के नाम पर, जो फार्मर्स का जो मोर्चा है इसके नाम पर जो इन लोग लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये आज पूरी तरह से पर्दाफाश हो चुका है इनका। क्योंकि जैसे उनको अटकाया गया, इतने देर तक उनको रुकाया गया रोड पर, उनकी सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचा गया। कहीं तो इनका कुछ प्लान था कि उनको कुछ हानि हो सके, लेकिन जो हम उनकी सुरक्षा यंत्रणा थी जो अच्छी थी, इसकी वजह से आज वो हमारे सामने सुरक्षित से हमारे पास आए हैं। तो ऐसे दौर पे अगर जो हमारे प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर सेफ नहीं है तो इसका बहुत, इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। आज हमारे देश को सुरक्षा करने के लिए उन्होंने जो 365 का कलम ये सब जो लगाने के बाद में आज हमें जो इतने सुरक्षित हम लोग इंडिया में महसूस कर रहे हैं, ये इसके पहले कभी नहीं था। अगर आज उनके साथ ये घटना घट रही है तो इसका मैं बहुत दिल से निषेध करती हूँ। आज हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ जो ये जो हमारा सूचना, ये सूचना जो आई कि 20 से 25 मिनट उनको वहाँ पर रोका गया हाईवे पे, और वो भी फ्लाईओवर के ऊपर जहाँ लेफ्ट राइट जाने का रास्ता भी नहीं है और आगे जाने का रास्ता बंद कर दिया गया, और वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर पर बॉर्डर है, और यानी पाकिस्तान बॉर्डर। तो ये सुरक्षा को, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को बहुत बड़ा धत्ता है। ये हम चन्नी सरकार, पंजाब सरकार का, कांग्रेस सरकार का पूर्ण रूप से निषेध करते हैं। सिउड़ भाजपा की तरफ से हम पूरी तरफ से उनका निषेध करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।